और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने जीमेल आईडी से कैसे कोई भी इमेज कैसे सेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप कभी कभी ऐसा होता रहता है कि हम व्हाट्सएप यूज़ नहीं करके हमको जीमेल पर भेजना पड़ जाता है किसी को। सो दोस्तों, आज की इसमें वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप किसी के जीमेल पर कैसे इमेज या कोई भी चीज़ लिख करके कैसे सेंड कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जीमेल पे चला जाना है। सो देखिए दोस्तों, जीमेल के ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर देखिए राइट साइड में नीचे लिखा हुआ है कंपोज। सो दोस्तों, उस पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पर उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर देखिए फॉर्म में लिखा हुआ है मेरा जीमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे टू टू में उसका जीमेल आईडी दे देना है जिसके पास आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं दे रहा हूँ। सो देखिए दोस्तों, मैं दे चुका हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजेड ईमेल। सो दोस्तों, चाहे आप चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट में भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो कंपोजेड ईमेल में जो भी आपको लिखना है उसको सेंड करना है वो यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। आप सोच रहे कि चल मैं किसी चीज़ को लिख करके ना भेजूँ, ठीक है, इसका कोई फ़ोटो वगैरह सब भेजूँ, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए जाना है, देखिए राइट साइड में दिख रहा है एक आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। सो देखिए दोस्तों, ये उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक कर देना है। सो देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल में जितना भी फ़ोटो रहेगा यहाँ पे शो कर देगा। सो दोस्तों, यहाँ पर जो फ़ोटो यहाँ पे शो नहीं करेगा, फिर यहाँ पर देखिए, सो लेफ्ट साइड में थ्री आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद सो दोस्तों, सबसे नीचे चला जाना है, यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। सो देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद मेरा हर एक फ़ोटो ऑल फ़ोटो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी फ़ोटो किसी के पास सेंड करना चाहते हो वो फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर चुका हूँ। सो दोस्तों, इसी फ़ोटो को मैं उसके पास भेजना चाहता हूँ। सो दोस्तों, आप फिर राइट साइड में देखिए एक बीच के आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। सो देखिए दोस्तों, मेरा सेंड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में थ्री आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जिसके जिसके पास भेजा हूँ सबका आईडी यहाँ पर शो कर देगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ इसके पास भेजा था। देखिए दोस्तों, मेरा नेटवर्क काफ़ी स्लो है, इसके कारण अभी अपलोडिंग लिख रहा है। सो दोस्तों, जब मेरा नेट काम करेगा अपने आप ऑलरेडी पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।